Can I ask you a question? Yeah. So for an actor, how do you think is it important for an actor to write a lot so that when they जब वो research वगैरह करते हैं या कुछ करते हैं तो एक एक्टर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है लिखना? आई थिंक पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत लिखना, बट हाँ पढ़ने से खुद डिसिप्लिन भी आ जाएगा, अपनी बैक स्टोरीज कम से कम लिखना। तो आई एम सेइंग एक्टर्स डोंट नीड टू रियली राइट सो मच एज मच एज दे नीड टू रीड एंड ऑब्जॉर्ब एंड मे बी जस्ट राइट देयर बैक स्टोरीज। अपार्ट फ्रॉम बैक स्टोरीज लाइक वो तो हो गया इफ आई एम गेटिंग शौकिया फिल्म यू फील लाइक यू वॉन्ट टू राइट एंड एक्सप्लोर योर इमेजिनेशन। सी आइदर यू राइट समथिंग वर्थ रीडिंग और यू डू समथिंग वर्थ राइटिंग, चॉइस इज योर्स। राइट इफ यू थिंक इट्स गोइंग टू बी वर्थ रीडिंग, एंड इफ इट्स नॉट देन डू समथिंग विच इज वर्थ राइटिंग। या सो Sure. अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सर जैसे कि फॉर माय एग्जांपल आई एम टेकिंग, किसी वजह से कि आपने मुझे कुछ एक एक्ट दिया परफॉर्म करने के लिए और वो मुझसे हुआ नहीं, जैसे कि आपने मुझे 5 टाइम छोड़ा, 10 टाइम छोड़ा और वो मुझसे नहीं हुआ, तो आप उस चीज के ऊपर मेरे पे गुस्सा हो जाओगे क्या? तुमने कुछ सुना है क्या मेरे बारे में? यार दो चीजें हैं, अगर आप थिएटर में होगे ना तो शायद मैं आपके साथ और बहुत सब्र दिखाऊंगा और आपको वक्त मिल जाएगा। मैं उस दिन बोलूंगा यार ठीक है मे बी तेरा आज ऑफ दिन है, तू साइड में 2 घंटा बैठ जा, बीच पे जा, जा गर्लफ्रेंड से मिल, जो तुझे खुशी देती है वो काम करके कल आ, फिर मैं आपके साथ कल डील करूंगा। बट सेट पे ऐसा नहीं हो सकता ना दोस्त, सेट पे ऐसा नहीं हो सकता है। तो कोई भी डायरेक्टर, ईपी, आपका को एक्टर, चिढ़ तो सबको मचेगी ना। जाहिर सी बात है कि आपको जिस काम के लिए चुना गया है, जो काम आपको चाहिए था, जिस काम के लिए आपको चुना गया है, अगर आप वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उसका कुछ तो टोटका निकालना पड़ेगा। या तो 10 बार बोलने के बाद भी आप नहीं समझे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि सर मुझे आप 10 मिनट दे दीजिए, मैं जस्ट अपना ये मेंटल ब्लॉक हटा के फिर आके परफॉर्म करूँ। 10 मिनट ऑफ सेट मांग लीजिए कि सर मुझे बस 10 मिनट ऑफ सेट दे दीजिए, मैं ये करके आता हूँ। और आपसे नहीं हो पाएगा, वक्त ही नहीं होगा, लाइट जा रही है, सनडाउन हो रहा है, सीन खत्म करना है, कल को शूट नहीं जा सकती। आपको पता है दोस्त, एक दिन के शूट का एवरेज कॉस्ट, अगर आप एक डिसेंट फिल्म भी कर रहे हो, एक डिसेंट फिल्म भी कर रहे हो आप जिसका आप हिस्सा हो, तो एक दिन का एवरेज कॉस्ट पता है आपको क्या होता है? 12 से 15 से 20 लाख के बीच में, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, बड़ी फिल्मों पे एक एक दिन 40-40 लाख रुपए का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कुछ बड़ा एक्शन सीक्वेंस कर रहे हो, बड़ी फिल्म है, ऋतिक रोशन है, फलाना है, 40 लाख रुपया एक दिन का खर्च है। अगर आप 12 लाख भी कैलकुलेट कर रहे हो ना दोस्त, तो लाख रुपए का घंटा बनता है, यानी 25,000 रुपये का 15 मिनट, दूसरे 25,000 रुपये का 15 मिनट। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करके चलोगे ना तो आपको गणित समझ में आएगा और तब आप समझोगे कि क्यों सामने वाला प्रेशर में है। ये बहुत आसान है बोलना कि सर आप गुस्सा हो जाओगे क्या? बेटा बात मेरी नहीं है, बात उस प्रोड्यूसर की भी है जिसने पैसे लगाए हैं, जिसका हर 15 मिनट 25,000 रुपए का है। मजाक नहीं चल रहा है इधर, गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है ये, आपको तैयार होके आना पड़ेगा। या तो 25,000 रुपया 15 मिनट में आप कमा के दिखा दो, और नहीं कर सकते तो दूसरे के पैसे की कदर करो।
इसलिए मैं एज अ डायरेक्टर बहुत प्रिपेयर्ड आता हूँ, क्योंकि मैं ये गणित समझता हूँ। मैं हर आधे घंटे में 15 मिनट में अपने शूट पे अपनी घड़ी को देखता हूँ। और मेरे साथ बहुत लोग हैं जिन्होंने काम किया, आप किसी को अगर जानते हो जिससे जिसने मेरे साथ काम किया तो आप पूछ सकते हो कि भाई किस स्पीड पे काम होता है। और हम हमेशा कभी भी 6 से 6 की शिफ्ट में 6 बजे के बाद एक्सीड नहीं करते अपनी शिफ्ट, हम 5:55 को पैकअप कर देते हैं। इतना पास, इतना रिस्पेक्ट आपको भी उस पैसे का होना चाहिए। तो देखिए, कहीं भी कुछ भी हो, हर चीज में ना गणित आ ही जाता है, सिवाय प्यार के, बाकी हर चीजों में गणित आ जाता है ना। तो आप जब सेट पे परफॉर्म कर रहे हैं, आपको भी उस गणित का ख्याल रखना चाहिए। तो आप नहीं लोगे उतना टाइम, आप और प्रिपेयर्ड होके आओगे, आप और सोचोगे कि हाँ यार, मतलब 12 लाख रुपए तो एवरेज बेसिक आजकल वेब सीरीज या फिल्में शूट हो रही हैं अच्छी क्वालिटी के, कुछ भी मैं बेसिक करूंगा तो 10 से 12 लाख रुपए का ये प्रोडक्शन का रोज का खर्चा होगा। ये आपको जानना चाहिए ताकि आप उतना ही टाइम पे पहुंचो सेट पे, जो कॉल टाइम पे आपको कॉल टाइम दिया उस टाइम पे आप पहुंचो, उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाओ, 5 मिनट बाद नहीं। जब अमित जी के बारे में हम लोग सुनते हैं, जब उन जैसे लोग टाइमिंग का इतना डिसिप्लिन रख सकते हैं, तो फिर हम लोग क्या है, आप और मैं क्या है हम लोग। तो बहुत आई फील जितना आप इज्जत करोगे ना फिल्म मेकिंग प्रोसेस की, उतना आप बेटर कलाकार बन जाओगे। मैं सारी चीज़ों का सार एक चीज़ में बोल देता हूँ, इफ़ यू हैव रिस्पेक्ट फॉर द फिल्म मेकिंग प्रोसेस, इफ यू हैव रिस्पेक्ट फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स, इफ यू हैव रिस्पेक्ट फॉर राइटिंग एंड राइटर्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, यू विल बी अ गुड आर्टिस्ट। अदरवाइज यू वोंट, नो मैटर हु यू आर, नो मैटर विच स्कूल यू स्टडीड इन। You can study in Barry John, or you can study in America, or you can study at RADA. It doesn't matter. You have to respect the process of filmmaking. You have to respect other people before you who are doing good work, and respect them and understand that it's not easy to constantly and consistently be successful. You know, you can say, "Yaar, you know, you can criticize anybody." But I have a lot of respect, whether it's Rohit Shetty or a Sanjay Leela Bansali. Two totally different schools of filmmaking. Two totally different ways of telling stories. But I have immense respect for both these filmmakers to consistently be able to tell good stories, to get good performances out of their actors, and to create no losses at the box office. Yeah. It's very important. बट तुम कभी आओगे तो मैं गुस्सा नहीं होऊंगा तुमसे नहीं होऊंगा यार, ऐसा बोलो ना। आपके एक्सपीरियंस में कभी आप किसी ऐसे एक्टर से मिले हैं जिन्होंने आपको बहुत इम्प्रेस किया, उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज थी, उनकी क्या ऐसी पर्सनालिटी थी जिसकी वजह से आपको लगा हो कि ये एक अमेजिंग एक्टर है? और एज एन एक्टर हमारे अंदर ऐसा क्या होना चाहिए सो दैट वी कैन स्टैंड आउट, लाइक क्या ऐसी आपके अकॉर्डिंग क्वालिटीज हैं जो एक एक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? मैं दो चीजों का, दो एक्टर्स का आपको उदाहरण दूंगा ब्रीफ में। एक है नसीरुद्दीन शाह, नसीर साहब। मैं अपनी पहली फिल्म के लिए एक सीन शूट करना था मुझे, जहां मैं नसीर साहब के कैरेक्टर को 20 साल बाद देख रहा हूं फिल्म में। 20 साल पहले जब मैं उनको देखा तो ही वॉज अ ड्रेडेड जेल वार्डन, मेरी पहली फिल्म अल्लाह के बंदे की बात कर रहा हूं मैं। अब कट टू उसी कहानी में वो दो बच्चे अब बड़े हो गए हैं, और वो कई साल बाद इस वार्डन ने, जिसने उनको परेशान किया है, जिसने उनके साथ शोषण किया है, वो लोग इस वार्डन को 20 साल बाद देखते हैं। लेकिन अब इसकी हालत एकदम खराब है, ये बूढ़ा हो गया है, लंगड़ा के चल रहा है, कपड़े तितर बितर हैं। तो मेरे दिमाग में एक विजुअल था कि वो खाकी पैंट पहनी हुई है नसीर साहब ने, और उसको एक रस्सी से
बेल्ट की तरह इस्तेमाल करके एक प्लास्टिक की थैली वहां लटकाई हुई है, उस प्लास्टिक की थैली में थोड़े दाल चावल, और ऐसे ही लकड़ा लेके चप्पल पूरी फटी हुई, नाखून पूरे टेढ़े मेढ़े गंदे बड़े हुए, बाल पूरे बहुत ही खस्ता हालत में, बहुत ही बुरी हालत में। वो जो वार्डन था जिसका टेरर था, मुझे आज 20 साल बाद उसको देखना था कि हाउ एज एंड टाइम हैज कॉट अप विद हिम। अब ये सीन मुझे शूट करना था, तो उस वक्त मैं ना जो कपड़े थे इस सीन के लिए उसकी एजिंग से मैं खुश नहीं था। वो लोग हमेशा चाय का पानी, चाय का पानी, चाय का पानी, ये स्टैंडर्ड हो गया था एजिंग के लिए। एजिंग अच्छे से वो लोग नहीं कर रहे थे, और मैंने एजिंग के कपड़ों को कैसे एज करके पुराना दिखाना एक नए कपड़े को, इसके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, देखा था, और मुझे वो किस्म का टैलेंट अपने उस टाइम कॉस्ट्यूम डिजाइनर या जिससे भी नहीं मिल रहा था, वो नहीं करके दे पा रहे थे। तो इट वॉज जस्ट नॉट लुकिंग कन्विंसिंग टू माई आईज, बिकॉज इफ आई सॉ अ सिमिलर बेगर लाइक दैट ऑन द रोड, आई वुड एक्चुअली वॉन्ट टू टेक हिज क्लोथ्स एंड मेक नसीर साहब वेयर देम। सो आई टोल्ड नसीर साहब, हाँ हमने ऐसे ही किया, हमने काफ़ी सेकेंड हैंड कपड़े रेलवे स्टेशन से खरीद के फिल्म में यूज़ किए अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए। तो मैंने नसीर साहब को फ़ोन किया और मैंने बोला, सर ये ना इन लोगों से एजिंग क्रैक नहीं हो रही है, मैं आपको भेज रहा हूँ इन्होंने क्या किया है घर पे, एक बार आप प्लीज़ पहन के देखें, आई एम नॉट कन्विंस्ड, इफ़ यू हैव एनी आइडियाज़ व्हाट वी शुड डू अबाउट इट। सो ही कॉल्ड मी बैक एंड ही सेड, हाँ मियाँ सही कह रहे हैं आप, ये तो बिल्कुल वाहियात तरीके से इन्होंने करके किया हुआ है, आप रुकिए ज़रा मेरे वो ना प्ले के गोडाउन में ना कुछ पेटियाँ रखी हुई हैं पुरानी, तो मैं उन पेटियों में ज़रा जाके देखता हूँ। सो ही हिमसेल्फ वेंट टू हिज गोडाउन, गॉट हिज पेटीज आउट, और अपनी पेटी से उनका जो कोई एक पुराना प्ले उन्होंने किया हुआ था मोटली में, बहुत पुराना सा, उसके कपड़े निकाले, उसको और उन्होंने एजिंग वेजिंग की, और वो पूरा कॉस्ट्यूम वो खुद एज करके अपने पुराने कपड़े निकाल के सब मैच करके वो लेके आए सेट पे। नसीर साहब को ये करने की ज़रूरत नहीं थी, बट उन्होंने किया क्योंकि वो अपने कैरेक्टर की सच्चाई को और उस पल के सच्चाई को एज ऑथेंटिकली क्रिएट करना चाह रहे थे, जो चाह थी मुझ में वो उन्होंने कर दिया। सो आई एम सेइंग व्हेन सच अ बिग एक्टर कैन गो टू सो मेनी एक्स्ट्रा लेंस टू जस्ट गेट वन सीन राइट, इट वॉज जस्ट दैट वन सीन वेयर वी सी हिम, एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट इट सो राइट दैट ही मेड द एक्स्ट्रा एफर्ट टू डू इट। सो फॉर इंस्टेंस यू नो टुमारो इफ द सेम थिंग हैपन्स टू यू, आई एम सेइंग what would you do? Would you go the extra mile to get your costume right without complaining that they didn't get it right? But what can you do to use your own mind to get it right? So this one thing of Nasir Saab really I remember till today very clearly, because that scene is beautiful. A lot of critics wrote about that particular scene, you know? And it was a very important scene in the film. I know how important it was to the story, for the catharsis of the character that time, which was played by Sharman Joshi. So it was very, very important that we crack it right, and he helped me do it. So that's one effort. And the other person who's had a, whose attitude I really love is Vidyut Jamwal. बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए और स्थिर आदमी हैं। हमने पूरे उज़्बेकिस्तान के स्केड्यूल में, हमारे खुदाफिस चैप्टर वन में, हमने -6 degrees में शूट किया। जब आप फिल्म देखोगे आपको नहीं लगेगा, क्योंकि इट्स अ क्रेजी काइंड ऑफ वेदर सिस्टम देयर, कि ठंड होती है बट धूप भी है, स्काई क्लियर है, कोई ओवरकास्ट नहीं है, प्रॉपर धूप है, लेकिन टेम्परेचर -6 है। इट्स वेरी स्ट्रेंज इन सर्टन प्लेसेस, एंड वी वर इन दैट मंथ एंड इट वाज एक्सट्रीमली कोल्ड, वी डिडंट हैव एनी वैनिटी वैन, वी डिडंट हैव एनी एक्स्ट्रा कंफर्ट, एक्टर्स हैड टू सिट इन देयर कार्स, डू देयर टच अप मेकअप इन देयर कार्स ऑन द रोड, कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग, एंड विद्युत्स एटीट्यूड
of being happy in every situation and being a team player when the going goes tough. This is something I will always appreciate and treasure all my life, because when the leading man of the film does it, then it sets an example for everybody else in the crew also. So it's a great example to have Vidyut completely being a team player in those extreme conditions, in those extreme weather, without having the extra comforts that stars usually get like him, you know. We didn't have any of that, and every day was a happy day. So that's a very cherished memory, because attitude plays such an important role, right? Like, yeah. In both these cases, I'm talking about both the actors' attitude to you. They both had an attitude to make it better. So, yeah, these two actors, I'll remember both of them. For Naseer Saab, for his sense of detailing, Vidyut, for his sense of, you know, giving very openly, you know, without any starry tantrums and all of that, and being a team player. Being a team player is very important, especially when you're working in challenging situations. Agar actor ka attitude acha rehta na, to acha lagta hai. Acha lagta hai. Sabko acha lagta hai. Crew walo ko bhi acha lagta hai. Director ko bhi, and sab notice karte hai. Sab kuch notice karte hai. Ji. Anything else? So since your aiding days till now, have you seen a change in the quality of actors that are coming? Like, and do new actors need to up their game? Okay, up jabhi hame jana, apart from being professional and everything, there's that extra thing in the new actors that are coming. Okay, it's the same. No, I don't think so. There's any change in the acting. I mean, as in the quality of actors are coming. Like you said, some people are self-absorbed. Some. I think we had better quality of actors back then. I would actually say that. Yeah, I mean, do we have an Amrish Puri right now? Do we have a Pran Saab? Do we have other big stalwarts who are all there at the same time? I mean, you know, we can just name 7, 8, 10 actors. Maybe you can also name probably only 10 actors whose performance you really like on a consistent basis. I mean, I don't think I can name more than 10 actors. 11th would be just forcing it and being diplomatic. But if I was to choose from our entire film industry, I would probably choose 10 actors who probably still hold my imagination and have earned my respect for their craft. And, you know, I can't name more than 10 actors. So, and I think back then the acting talent pool was a lot more stronger. Yeah. And think about it. There were no film schools. There were no acting schools. There were no writing schools. Manmohanji, Manmohan Desai, all his screenplays, look at them. They were all belters. You know? And so many of these big stalwarts, they didn't have formal education of filmmaking. Think about it. They didn't have Google. Google chacha to nahi the na, bhai. To unke paas aur bahut kuch nahi tha aur unhone itna create kar diya, to main zyada credit unko dunga. Main ye nahi keh raha hu ke abhi talent nahi hai, but aap mujhse pooch rahe ho ki kya aapko lagta hai ki aaj zyada talent hai, to main kahunga aisa nahi hai. Film making process mein hai, technical aspects of film making mein hai, but in terms of actors and acting pool or even writing for that matter, lagbhag same hi hai. Achhi bhi filmein ban rahi hain, buri bhi filmein ban rahi hain. Ordinary actors bhi hain, achhe actors bhi hain. Same cheez hai, as in the technical craft of filmmaking has pushed the envelope for us to be able to tell better stories or more conveniently told stories, or, you know, more, the craft has changed. But the art pretty much, I mean, I can't take away anything from, you know, I miss a lot of actors from the yesteryears where, like hum kuch bhi kahe, but अमित जी जैसा तो कोई आया नहीं है ना,
जो वो थे अपने हे डेज में. फिर एक शाहरुख भाई आया, फिर शाहरुख, सलमान, आमिर एंड देयर इज ऋतिक एंड अजय भाई एंड ऑल दीज पीपल, एवरीबडी, रणवीर, देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स हु डूइंग गुड परफॉर्मेंसेस, आलिया, रणवीर, दीपिका, बट अगेन देयर लाइक 10-15 ऑफ देम एट द मैक्स, यू नो, हु आर डूइंग रियली कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मेंसेस. And we are only talking about the famous ones. So even back then, there were many actors who were not famous, but not as famous, but were very good actors. And even now, there are actors who are not so famous, but are very good actors. So I don't feel itna koi aisa difference hai ki abhi ki actor ki peedi kuch alag hi seekh ke aa rahi hai tot ka. Aisa kuch nahi hai. Sir, sorry, sir, I just have a question related to this. Haan ji. Sir, do you think that like you said ki abhi hamare paas the kind of actors you believe are not as we have earlier? Nahi, aisa nahi kaha maine. Maine unse kaha ki aisa nahi hai ki tab ke actors mein koi kami thi aur ab ke actors kuch alag kar rahe hain, aisa kuch nahi hai, ye kaha maine. Actors tab bhi acche the, aaj bhi acche hain, tab bhi ordinary the, aaj bhi ordinary hain. Aisa acting mein kuch इतना बदलाव या ऐसा कुछ नहीं. आई एम श्योर हम नहीं जानते, लेकिन उस वक्त बहुत एक्टर्स होंगे जो मेथड फॉलो करते होंगे. दिलीप साहब थे ना, दिलीप साहब थे ना, मेथड फॉलो करते थे. इतनी उन्होंने इंटेंस फिल्में की कि उनके साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर ने उनको बोला, साहब आपको कॉमेडी करनी पड़ेगी, अब स्टॉप डूइंग सच इंटेंस रोल्स. दैट्स व्हेन ही डिड राम और श्याम और व्हाट अदर लाइटर हार्टेड फिल्म्स, दैट्स व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग इट, बिकॉज देवदास एंड ये सब फिल्मों का उनके ऊपर काफी प्रभाव हुआ. And Gurudat and all these people, they were all method actors only, right? They used to really, and trust me, sister, they did not have Instagram and social media and other things to distract you. And our generation has too many distractions. We have too many distractions constantly all around us, you know? So yeah, check your phone, how much time you use the screen this week. And for what you did, you'll have your answer. Whether you were surfing Instagram or you were actually reading Chekhov or what were you doing? You ask yourself that question. We are very easily distracted generation or generations, because right now there are like four different generations living in the same time. कुछ जेन जी भी है, जेन एक्स भी है, मैं पता नहीं कौन सी जेनरेशन हूँ, मुझसे अबव वाले पता नहीं कौन से हैं. तो बहुत सारे अलग अलग किस्म के प्राणी और कीटाणु घूम रहे हैं इस वक्त पृथ्वी पर. सर, माय क्वेश्चन वाज कि डू यू थिंक दैट द टाइम हैज आल्सो चेंज्ड फॉर डायरेक्टर्स, बिकॉज़ नाउ लाइक देयर आर सो मेनी एक्टर्स हु आर वेरी टैलेंटेड बट दे विल नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी बिकॉज़ दे डू नॉट हैव दैट मच पॉपुलैरिटी. सो इवन इफ देयर इज अ न्यू डायरेक्टर, ही वुड प्रेफर गिविंग दैट रोल टू अ पर्सन who is maybe not that good actor but is a well-known influencer, rather than giving that role to an actor who is an amazing actor but doesn't have that much following. So that thing is also... Following means? Following as in their social media presence. So that thing is also leading towards the fact that some good talents are getting missed out in the crowds, because... I don't know if that's your observation. But for me, I have never looked at Instagram or social media popularity to cast somebody. I have seen somebody's work, liked an actor and wanted to approach them. It's as simple as that. So for me, I mean, if you see both the casting of both my two recent films, Khuda Hafiz 1 and 2, you see my casting, we've not really, I mean, we've just... tried to cast a whole bunch of very serious good actors. Khuda Hafiz 2 had Sheba Chadda, Rajesh Talang, Debendu Bhattacharya, you know, bahut sab apne aap mein manjhewe kalakar hai. Ab wo unki social media presence hai, to iska main kuch nahi kar sakta. Main unko isliye cast kar raha hu kyunki wo mere liye, ab aap bol dijiye Rajesh Talang manjhewe kalakar nahi hai, aapko wo Delhi Crime mein acche nahi lage, या देवेंदु भट्टाचार्य आपको अनदेखी में अच्छे नहीं लगे, या आपको शीबा चड्डा किसी चीज़ में नहीं अच्छी लगती हैं. अच्छे कलाकार हैं ना, तो और उनकी कहाँ ऐसी भी कहाँ उनकी कोई बहुत मेजर ऐसी फॉलोइंग है. शीबा चड्डा वॉज द विलन ऑफ माई फिल्म,
I had a 60-year-old woman who was playing the villain of my film against Vidyut Jamwal. So I didn't cast to the grain, I cast off the grain. And it depends. Even in the previous film, there was an actor called Shiv Pandit who had come long back, who was cast in a film, and then, you know, years back, I cast him in Khuda Hafiz 1, and in a very dynamic and interesting role, which he did really well, you know, playing an Arab character. So again, there were many other people who I knew who are a lot more popular than Shiv, who are my friends also. But I didn't cast any one of them. I cast Shiv because we connected, the timing fit in, and you know, I felt that at least ye apne aap ko thoda surrender karke is character ke andar ghusega. So I mean, I'm sorry you feel like that, if that's the nature of the beast in today's time, but I don't think any serious filmmaker who's concerned about their film doing well is going to see what your following is on Instagram and cast you. Casting director mein show, sir, ye face hai. And you might say as a director, haan, ye face is character ke liye perfect baithta hai. Ye lagta hai ki ye is background se aise aise aata hai. That's how we choose. And then you audition, and then we choose from the audition. So each to his own. You can't make this a generic statement. Huh? I just wanted to ask, not every director or filmmaker chooses people of Instagram. Just to add to this, what you were saying, casting thing for all these acting students, I want to ask you, when you see like a general, so many auditions you must be seeing for one role, what is it that you specifically, because most of the time what happens is when people go out to audition, in certain casting places, you don't get all the brief of the character. You get a line, you get a basic brief and all. So how do you, what do you see in that audition that makes you freaky? Or what they should keep in mind while auditioning that you think can help them audition better and do good in the audition? I think they should audition again thinking in their heads that you are already in a film and you are already performing this for the audience. So I feel like just perform for the audience. Don't get into some internalization ke main abhi apni na ye wali performance dikhata hu. Aisa kuch nahi hota hai. Ye wali aur wo wali performance. You just try and entertain and engage. And I feel these two words are very important for actors. Entertain and engage. Entertain and engage. Don't think about anything else and complicate it in your mind. I think कुछ नहीं पता है ना, अपने दिमाग में बना लो कि इस सीन को मैं कैसे एंटरटेनिंग और एंगेजमेंट बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, क्या करूँ, ऐसा कहाँ से शुरू करूँ, क्या स्ट्रेट कैमरा को ऐसे बोल के नहीं शुरू करूँ, कहीं से बैठ के कुछ एक हरकत करके, क्योंकि ये कैरेक्टर मुझे क्वर्की लग रहा है या ये कैरेक्टर मुझे बहुत इंटेंस लग रहा है. तो आई एम सेइंग ऑल्सो व्हाट you look at now is the start point of the performance. I think that's also important. Sometimes within 5 seconds I'll be like, no. It started off only wrong for me. So I feel like the start is important, and I feel every filmmaker will look for a natural performance. Natural yet entertaining and engaging, you know. Like, you know, it's not like कि पहले dramatic performances होती थी और अब नहीं होती हैं, अब real चलता है, ऐसा कुछ नहीं है. Depend on कैसी film बन रही है. Actually उसके ऊपर आपकी film का genre decide करता है आप कैसे perform करने वाले हो. रोहित शेट्टी और संजय लीला बंसाली की फिल्म में सेम परफॉर्मेंस दोगे? नहीं ना. रोहित शेट्टी बोलेगा play to the galleries, हरकत करो, ये करो. हो सकता है बंसाली जी बोले नहीं प्ले टू द गैलरीज लेकिन सटली करो. आई एम सेइंग क्या फर्क किस फिल्म मेकर का, आपको फिल्म मेकर की बात सुननी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है. बट क्योंकि आप ऑडिशन की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो मैं कह रहा हूँ कि ट्राई एंड थिंक यू ऑलरेडी इन द फिल्म एंड ट्राई एंड एंटरटेन योर डायरेक्टर और योर ऑडियंस, यू नो, ट्राई एंड कीप इट एज एंटरटेनिंग एज पॉसिबल एंड एंगेजिंग. Yeah. So you talked about an actor's discipline. So off camera,
what do you think an actor can do to make life easier for you as a director? Like, what habits can I follow? What areas can I engage in? So that, you know, as a director, you don't have to spend too much of your precious time, you know, telling your actor what you expect of him. I mean, for me, just come full of energy. Be have the ability to sustain a 12-hour shoot. It'll help you if you don't have a late night before and don't screw it up with indiscipline. And come absolutely present, full of energy. Please come ready with your lines. Do not bloody remember your lines on set. Please don't do it. On the set, try and improve the lines you've already learned. You know, don't learn on the set. Insist to get your lines, even if it be one night before. No matter how much it takes or how irritating the assistant director might get, ke yaar ye to peeche hi pad gaya yaar, do hi to line hai iski, isko kya line bhejo? Bolna bhai, do hai na, important hai isliye likhi gayi hai na. Tune to nahi likhi hai. Tere writer ya director ne likhi hai, important hongi isliye likhi hai, tu do hi bhej diyo bhai. दो ही भेज दे तू, दो लाइन है ना, मैं दो में ही निकाल लूंगा अपना, तू दो भेज दे लाइन है मुझे, लाइनें ले लो उससे, साला वो कुछ भी कहे तुमसे, तुम उससे लाइनें ले लो, याद करके आओ और सेट पे उसको बेहतर करने की कोशिश करो. और जब शूट नहीं चल रही है, से यू आर ऑलरेडी ऑन द सेट एंड आपको एक घंटे बाद बुलाने वाले हैं, आई थिंक इट विल हेल्प टू जस्ट गो क्लोज टू वेयर द डायरेक्टर इज and observe how that director is working with another actor. See that for 5 minutes, 10 minutes. You already remember your lines, you've seen your director's process, you are much clearer, you are more confident because you are already standing in that environment. बहुत सारे actors, कुछ theatre के भी actors, ऐसा कई बार हुआ है कि camera roll हुआ है and अटक गए बिकॉज वो माहौल उन पे हावी हो जाता है. इतनी लाइटें, कैमरा, ये वो, शोर शराबा. आसान थोड़ी है सब में एक्टिंग करना, है ना? तो इट विल हेल्प टू फेमिलियराइज योर सेल्फ विद द एनवायरनमेंट, नॉट जस्ट बी सिटिंग इन योर वैनिटी और व्हाटएवर, बट एक्चुअली गो ऑन द सेट, सी बिफोर योर शूट हाउ द प्रोसेस इज हैपनिंग, जस्ट स्टैंड अफार, ऑब्जर्व इट. Feel the energy, familiarize yourself with the environment, because that also helps, you know, familiarizing yourself with the environment, ताकि कोई भी चीज़ आपको ऐसे हौका नहीं लगे कि अरे यार बहुत लाइटें लगी हुई हैं, अरे भाई शाहरुख खान खड़ा हुआ है वहाँ, अरे पंकज जी खड़े हुए हैं त्रिपाठी, अरे ये कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है भाई. सब पंकज जी भी चाहते हैं कि आप सामने वाला एक्टर अच्छी लाइन बोले ताकि उनका भी सीन अच्छा हो, यू नो, ऐसा कुछ नहीं है. हर कोई चाह रहा है कि सामने वाला कलाकार अच्छा ही हो ताकि उसका काम अच्छा लगे. एक्चुअल कलाकार तो वैसे ही सोचेगा. और कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होनी चाहिए. जब आप ऑलरेडी कास्ट हो गए हैं एक पर्टिकुलर लुक और फील और वो सब चीज के लिए, तो भूल जाइए आप कैसे दिख रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या भूल जाइए कैमरा, जस्ट फॉरगेट, जस्ट परफॉर्म, जस्ट स्टे इन योर थिंग एंड इट विल हेल्प. एंड आई एम श्योर दिस योर फैकल्टी आल्सो इज टीचिंग यू दैट इट डज समटाइम्स हेल्प टू नो एट व्हाट एंगल यू आर बीइंग शॉट एट. इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट इट, यू कैन ऑलवेज आस्क एन एडी कि यार मिडी दिख रहा है या पूरा दिख रहा है या क्या, मैं जरा अपना पोस्चर, वो बता देगा आपको. मेट समटाइम्स हेल्प, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक इट शुड मैटर टू यू बिकॉज दे एग्जैक्टली नो हाउ दे वांट टू शूट यू, यू नो. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम माय एक्टर्स वुडंट रियली बॉदर अबाउट हाउ आई एम शूटिंग एंड अनलेस यू हैव टू वॉक एंड डू समथिंग, यू नो, सर्टन थिंग्स बिकम वेरी वेरी टेक्निकल. कि वो स्टडी कैम वाला है, वो आपके पीछे चल के जाएगा, आपको लेफ्ट टर्न करना है, लेफ्ट टर्न करते ही आपको एक सेकंड का पॉज देना है ताकि वो आपके साथ कैचअप कर ले, फिर आगे जाना, यू नो,
just some things become very technical and you should be able to follow it. It's no like, it's no rocket science. Elon Musk though, rocket scientist ban gaye without actually studying rocket science. That's the funniest thing. He's not even an engineer. Yeah. He's not even a rocket engineer. So I'm sure you can figure out where the Steadicam guy is coming behind you. Should not be that difficult. Sir, one more question. आ गए तुम. Sir, for it, जैसे कि Barry Jones sir का 4 month का classes है diploma का. In Goregaon film city I have gone. There is a Subhash guy sir classes, Whistling Food. वहाँ पे 3 साल का पढ़ाई है. पर इसमें और इसमें difference क्या है? Can you just tell me that? नहीं मैं तो, मैंने तो दोनों भी नहीं किए हैं. वो तो हमसे पूछ ये तो तुम बताओगे. सॉरी ये तो तुम बताओगे. अभी यहाँ के बाद तुम 3 साल वहाँ जाओ. वो खत्म होने के बाद तुम आके मेरे को बताओ क्या डिफरेंस है. सर दोनों अलग स्कूल्स होंगे, अलग चीजें सिखाते होंगे, अलग डिसिप्लिन्स होंगे. देखो ये तो ये मतलब इसका क्या उदाहरण तुमको दूं, देता हूं कुछ सोच के. अच्छा कि तुम्हें बात समझ में आए. तो टाइम डिफरेंस का भी तो फर्क है ना. यहाँ 4 months कर रहे हो, 3 इयर्स है, तो उसमें आपका ड्यूरेशन भी तो बढ़ रहा है ना. उसमें आपको ज्यादा सीखने को मिल रहा है, ज्यादा एक्सरसाइज करने को मिल रहा है, प्लस आपको और भी चीजें. आई थिंक ये 4 महीने में ऑल्सो आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड आई एम श्योर बाकी सारे बहुत लोगों के लिए यहाँ जो आते होंगे, आई एम श्योर ये 4 महीने आपको ये बता देगा कि आपको आगे एक्टिंग करनी चाहिए या नहीं. आपको इसका जवाब खुद अंदर ही मिल जाएगा, है ना. 4 months इज इनफ टू अंडरस्टैंड वेदर दिस सूट्स यू, डज नॉट सूट यू. You will be able to give yourself an honest answer most probably. कि हाँ यार ये करने में मुझे मज़ा आ रहा है, मैं अपनी पूरी बाकी की ज़िंदगी इसको समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, या नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है. मैं अपने 9 to 5 में या अपने कॉर्पोरेट जॉब में या जहाँ भी कुछ कर रहा हूँ वहाँ से ही. आई थिंक वो जवाब आपको मिल जाएगा. अभी कितने महीने हो गए इस क्लास को? This is the second. रुको यार अभी 3 हफ्ते में तुम पूछ रहे हो ये सवाल. रुको सबर करो जरा. हां परफेक्ट सर. आई वांटेड टू आस्क वन थिंग कि इफ लाइक इन अ सिचुएशन इन लाइक यू आर सीइंग एन ऑडिशन, एक जगह पे यू सी एन एक्टर हु हैज परफॉर्म रियली वेल, एंड सेकेंड में आप देखते हो कि सिंस यू फोकस्ड ऑन होमवर्क एंड प्रिपरेशन सो माइनली, तो आप अगर उस बंदे ने होमवर्क करके एक सर्टेन कैरेक्टर के तरीके से आया है, ये कॉस्ट्यूम पे वर्क किया है, एंड यू सी अ स्पार्क ऑल्सो. सॉरी नो प्रॉब्लम. एंड यू सी अ स्पार्क ऑल्सो कि इसमें है, मैं इससे काम नहीं करवा लूंगा, ही हैज दिस थिंग एंड इसका होमवर्क ये दिखता है कि ये डिसिप्लिन बंदा है, तो मेरे लिए काफी है, मेरे लिए वो काफी है. तो व्हाट यू प्रेफर दैट अ परफेक्ट ऑडिशन लाइक नॉट विद एनी प्रिपरेशन और समथिंग लाइक दैट. हाउ डू आई नो वेदर दे प्रिपेयर्ड और नॉट? नो बट द ऑडिशन इज वेरी गुड. इन द सेकंड थिंग ही इज नॉट एट दैट लेवल, बट यू हैव सीन अ स्पार्क इन हिम एंड यू सीन कि वो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया है, ही हैज डन द होमवर्क. बट आप कह रहे हो कि इससे पहले वाला ऑडिशन भी बहुत अच्छा है. आप कह रहे हो नंबर वन ऑडिशन बहुत अच्छा है. मैं बोल रहा हूँ दो बंदे हैं. सॉरी सर, दो लोग हैं. आई नीड टू अंडरस्टैंड योर व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क. ओके सर. या सॉरी, मैं बोल रहा हूँ दो लोग हैं, एक का ऑडिशन बहुत अच्छा गया, एक का ऑडिशन बहुत अच्छा गया. हाँ, अच्छा गया. तो मेरे कैरेक्टर के हिसाब से, राइटिंग के हिसाब से वो ऑडिशन बहुत अच्छा था, मुझे पसंद आ गया. वो अच्छा लगा आपको. सेकंड में यू सीन कि दिस पर्सन आल्सो कैन डिलीवर दैट थिंग एंड ही हैज दैट कमिटमेंट टू दैट कैरेक्टर आल्सो, कि इसने इतना होमवर्क किया है, इसने उस चीज को मेरे ना कहते हुए भी उसने उस चीज को समझा है और समझने की कोशिश की, एंड ही हैज दैट स्पार्क कि मैं इससे वो चीज निकलवा लूंगा. So what would you prefer?
I've already liked one audition. I would ideally like to cast the person whose audition I've liked. Okay, now two things can happen. Either there's a date issue or there is something like that कि वो जो इसका audition पसंद आया है वो उस date को available नहीं है जिस दिन को shoot है, और जिसका audition थोड़ा कम पसंद आया है but उसमें potential दिख रहा है वो उस date को available है. तो जिसमें potential दिख रहा है मैं उसको cast कर लूँगा, मैं अपनी date change नहीं करूँगा. Okay, I think to frame it for a better word, he's asking a laid back actor or someone who's committed to. But you're telling me I've also liked the first audition. Yeah. So when you're saying that the second audition, you like the sense of preparation. So in the first audition also, if the actor has used the prop correctly and he's used his body language and the chair and the environment correctly, why will I cast the other actor? What has he done differently? I mean, okay, you know, either the second actor fits the look slightly more than the first one. I've liked two auditions. Let me frame the question for you. I'll give you the one. I've liked two auditions. Okay? One audition, the guy or the girl doesn't exactly look like the kind of face I want. You know, every face tells a story. Trust me, every face tells a story. And every face has something written on it, right? Up to the director and how they interpret a face, or how they interpret somebody's eyes, or how they interpret their body language. Ke character is character is ye banda is character ko suit karega. Now in the second instance, if the audition is not as good as the first guy's audition, but is good enough फॉर मी टू से यार इसमें पोटेंशियल है, मैं इससे काम निकलवा लूंगा, और ये बंदा मेरे कैरेक्टर की जिस तरह मुझे छवि चाहिए उस छवि को और सूट करता है, तो मैं उस सेकंड वाले बंदे को ले लूंगा. ठीक है, बट उस सेकंड वाले बंदे में अगर ऑडिशन थोड़ा 19 है, कुछ तो और चीज सही होनी चाहिए ना. यू कैन से सर दो जुड़वा है, एक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी एक ने नहीं दी, कौन से जोड़वा को लोगे? जिसने अच्छी दी उसको लूंगा. कोई मैंने यहाँ बारात में वलीमा बट रहा है क्या? हाँ भाई, इधर कोई वलीमा तो बट नहीं रहा है बारात में. तो अपनी क्षमता दिखाइए और पूरी तरह से आगे आइए, आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए क्रिएटिवली. इधर कोई अंडरडॉग को चूज नहीं करने वाला है भाई. हाँ, ये बबल से निकल जाना, दुनिया ऐसी नहीं है. द वर्ल्ड इज नॉट लाइक दिस दैट दे विल चूज यू बिकॉज यू आर एन अंडरडॉग. अनलेस आई नो योर पर्सनल स्टोरी, अनलेस आई नो कि वो ऑडिशन वाला मुझे बोले सर ये जो लड़का है ना सर ये नासिक से आया ऑडिशन देने के लिए. अरे सर सुबह निकला था 4 बजे और यहाँ पहुँचा ये सुबह, और इसको सर खाना ऑफर कर देगा, इसने सुबह से कुछ खाया नहीं है या कुछ. सो आई डोंट नो, मे बी देयर इज अ स्टोरी देयर एंड आई माइट से ओके यू नो व्हाट, दिस एक्टर इज ऑलरेडी गेटिंग इनफ वर्क, दिस गाय इज नॉट सो बैड, लेट्स जस्ट गिव हिम अ ब्रेक और ट्राई हिम आउट. मे बी या आई डोंट नो, इट्स अबाउट, इट्स इन दैट मोमेंट यू नो. Beyond the audition, is there a story which seems interesting about that person? And I say, yaar, wow, I value this person's dedication. He's good enough. I'll extract work from him once we start working on the material, or once we read the scene together, or you know, whatever. Sir, I had a question. Sir, according to you, which is the best genre film or the best story according to you which should be promoted, and why? अरे मैं दाल चावल रोज नहीं खा सकता हूँ ना भाई, तो कैसे बता दूं दिस इज द ओनली जॉनर दैट शुड बी प्रमोटेड. मुझे दाल चावल भी चाहिए, मुझे नूडल्स भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए. तो मुझे कॉमेडी भी चाहिए, ड्रामा भी दो, कुछ अच्छी एक्शन फिल्म भी दो, यू नो एक अच्छी थ्रिलर भी दो, सब कुछ दो मुझे. ये क्या मतलब, वो एक कोई ऐसा जॉनर ऐसा थोड़ी है.
हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, सेम सेम रोज सेम कपड़े पहनोगे आप, रोज सेम जूते पहनोगे, रोज सेम चीज करोगे, हम ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, हम पैटर्न्स में अटक जाते हैं बहुत बुरी तरह, हमारे लाइफ के सबके बहुत फिक्स्ड पैटर्न्स होते हैं, हम रियलाइज भी नहीं करते हैं हमारे पैटर्न्स हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई जॉनर किसी के ऊपर या कम थोड़ी है। आई मीन आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। हॉरर इज नॉट एन वेल एक्सप्लोर्ड जॉनर इन दिस कंट्री, इट्स अ वेरी अब्यूज्ड जॉनर, पीपल हैव डन इट वेरी यू नो अनटेस्टफुली, देयर आर वेरी फार एंड फ्यू गुड हॉरर फिल्म्स दैट हैव बीन मेड। आई ऑल्सो फील दैट इवन दो वी हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ patriotic films and all, but we've not really delved into our history in a very large manner because we have a massive history. So I feel history, our India's history as a genre is less explored or not as well explored, you know. There's so many things you read in our history textbooks, but you don't really see them in cinema necessarily. Of course, those kind of films are expensive to make and not everybody can make them and they're a huge cost and all of that. So that's why maybe less patriotic films or less films from our history get made or not get made so often because they're expensive to make. And horror as a genre is an abused genre. Nobody, I mean, we don't really, the last good horror film I saw was Three, which was interesting, entertaining, engaging, fun, you know. What about Tumbaar? I like Tumbaar also. Yeah, it's a very good film. Mm-hmm. Excellent film. Really liked it, engaged me and entertained me. Yeah. Sir, like directors are very busy, so you have a very less free time. So in your free time, any side business you do, like any recommend? Any what? Side business, side hustle. यार मैं उतना इंटेलिजेंट ही नहीं हूँ साइड हसल के लिए, मैं तो यही ठीक से कर लूँ, मैं इसी में पढ़ा हूँ भाई। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट बेटर एट व्हाट आई डू करंटली। Yeah, I understand. Listen, your question is very important. We can laugh and joke about it in a light manner. But yes, money is very important. Period. Anybody who says it's not is probably an idiot. You know, or has no clue about life or has an extremely rich dad. You know? So yes, money is very important, and yes, our profession is very tough, whether for actors or for directors. There are long waiting periods. There are people who start suspecting whether you're going to do well in life or not. Your own people start losing faith in you, whether it's your family, whether it's your girlfriend. You can't even go with a marriage proposal to a girl. In your case, they'll be like, ladka kya karta hai? Acting kar raha hai ji. क्या किया है अब तक जी? कुछ नहीं किया है अब तक, एक्टिंग कर रहा है। तो ये बहुत जिंदगी के रियल सवाल हैं। आपने एक बहुत रियल सवाल पूछा है कि कैसे अपने आप को फाइनेंशियली आदमी सस्टेन्ड रखे जब तक उसे काम नहीं मिल रहा है, जब तक लोग उसकी कला पे भरोसा नहीं दिखाते हैं, जब तक लोग उसको उसकी कला को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, तब तक आदमी अपनी खुददारी को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बरकरार रखे? इसका कोई आसान जवाब मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत हसल किया है, साइड हसल कभी नहीं किया है। मैं अपने लक्ष्य पे डटा रहा हूँ, मुझे बहुत रिजेक्शंस मिले हैं। खुदा हाफिज़ की स्क्रिप्ट को, मतलब खुदा हाफिज़ जिसको पहली फिल्म को जिसको इतनी सक्सेस मिली और इतना वो ज़्यादा हर जगह वायरल हुई और सब चीज़ें हुआ, उस स्क्रिप्ट को कम से कम 10 एक्टर्स ने रिजेक्ट किया हुआ है और 10 प्रोड्यूसर्स ने रिजेक्ट किया हुआ है, और मैं लोगों के ऑफिस के बाहर 3-3 घंटे बैठा रहा हूँ। लोगों को 6-6 महीना स्क्रिप्ट दे के रखी, उन्होंने 6 पन्ने तक नहीं पढ़े। मैं खुदा हाफिज़ की स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। बट एक बात बताऊँ, मैं कभी भी ना पेसिमिस्टिक नहीं, मुझे कभी ये नहीं लगा हाय मैं बेचारा, अरे उसने मेरे लिए नहीं किया, अरे वो पढ़ नहीं पाया,
अरे वो कितना यू नो फालतू आदमी है, या वो अरे उसने मेरी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया. मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, ऑनेस्टली बता. ना मैंने कभी किसी को बद्दुआ दी है, ना कभी किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं दिखाया है तो मैंने उसका बुरा माना है. मैं वहाँ से भी बहुत आदर और सम्मान दे के ही निकला हूँ. मैंने कभी अपने अंदर पेसिमिज्म नहीं आने दिया, क्योंकि मुझे अपनी कला पे पूरा पूरा यकीन है. और यकीन इसलिए भी है क्योंकि मैं अपनी कला पे काम करता हूँ. ऐसा होता ना, मैं रोज सो ही रहा हूँ, उठ ही रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा राइटर बन गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा डायरेक्टर या एक्टर बन गया हूँ. मुझे ऐसी कोई गलतफहमी कभी लगी नहीं है. मुझे ऐसा लगा है कि एवरी डे ना कीप वर्किंग ऑन इट, एवरी डे कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, एवरी डे ना. एंड आई टेल यू टू हैंडल द प्रेशर, माई वन ऑफ माई मंत्रज इज वेरी सिंपल. कोई मेरा खुद का क्रिएटेड मंत्रा नहीं है. एल्कोहल अनोनमस में भी यही मंत्रा सिखाते हैं, जहाँ वेन यू गो फॉर डी एडिक्शन ऑफ यू नो बींग एन एल्कोहलिक, दे टीच यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इट्स अ ह्यूमन थिंग, वन डे एट अ टाइम, जस्ट डू योर बेस्ट दैट डे. कर्मण्यवादी कारस्थ माँ भले तू कदाचित. यू जस्ट कीप डूइंग, जस्ट कीप डूइंग, डोंट स्टॉप डूइंग, जस्ट कीप डूइंग. एंड वन डे द ग्लास सीलिंग विल ब्रेक and you'll crack it and you'll figure your way out and you'll go through everything. You'll go through frustration, you'll go through moments where you'll want to pull your hair out because nobody is trusting your talent. I have had those days. I have had days where I have not wanted to see anybody's face for days because nobody's believing in me, because nobody's trusting that I can tell stories, because nobody is trusting that I can be a director. So then, no, I started doing little things also. I started directing music videos also, started directing ad films also. Then I got a break of doing a short film with Ajay Devgan. Then I got some bigger music videos. Then I got to make a documentary, big documentary. Then I got my break at my first film. Main pehle se hi pehli film banana chahta tha. When I stopped being an assistant director and I realized I want to be a filmmaker, I straight away wanted to be a filmmaker. But then I realized, acha, this is not happening. So let me create a body of work and let me step up slowly, slowly. So it'll help you not to reject smaller roles. It will really help not to reject smaller roles. I'll give you another example, and I hope this really, really helps you. I don't care about this masterclass on Instagram and all of that. I've just come here to share something with you because it's a very tough industry. I have been through a lot of struggle, and I feel you. I feel your question. When you ask that question, I can feel it. I've been through it. I've been through months of no money on the table. Months. Okay? So it will really help if you do not reject smaller roles. Put this in your freaking mind. You are not bigger than the role. You are not bigger than the story. You are nothing. Just dissolve your ego and see the magic play out in your lives. Ek cheez mein na koi ego mat rakhna. Ek cheez mein. Apne art. बाकी सबसे रख लेना, बीवी से, भाई से, जिससे जिससे रखना है ईगो रख लेना, बस अपनी कला में कोई ईगो मत रखना.